नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। ये साल था 2015 का, जब गोरखपुर के उनोली गाँव के रहने वाले अनिश चौधरी का उर्वा ब्लॉक ऑफिस में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर चयन हुआ था। अनीस बहुत मेहनती था, वो खुद के दम पर कुछ बनना चाहता था और उसी के लिए वो दिन रात मेहनत करता था। तरह तरह की सरकारी नौकरी के फॉर्म भरना, एग्जाम देना, इंटरव्यू की तैयारी करना उसके हर दिन के जीवन का हिस्सा था, जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी बनने के बाद उसका ये सपना पूरा हो गया। अनीस के गाँव में दलितों की आबादी बहुत ज्यादा थी, वो खुद भी दलित समुदाय से था, लेकिन अनीस की माली हालत गांव के अन्य दलितों से काफी बेहतर थी। अनीस संपन्न परिवार का हिस्सा थे, उसके पिता और चाचा बैंकॉक और मलेशिया में रहकर काम करते थे। साल दो साल में अनीस के पिता कुछ दिनों के लिए घर आते थे और फिर काम पर चले जाते थे। उन्होंने अनीस के लिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी थी। अनीस के बड़े भाई अनिल चौधरी भी उर्वा ब्लॉक ऑफिस में कर्मचारी थे। ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर चयन होने के बाद अनीस की खुशी का ठिकाना नहीं था। जब अनीस ने ये बात अपने पिता को फोन पर बताई तो उसके पिता बेहद खुश हुए और अनीस को जल्द ही घर वापस आने का भरोसा दिलाया। अनीस के अधिकारी बनने की खुशी पूरे गांव को थी। अनीस ने अपनी खुशी का खुलकर इजहार भी किया। वो अपने गाँव वासियों के लिए बहुत कुछ करना चाहता था और जल्द ही उनकी सेवा में व्यस्त हो जाना चाहता था। चयन के बाद अनीस अब प्रशासन से कॉल लेटर का इंतजार करने लगा था, जिससे घर आने में ज्यादा समय नहीं लगा। चयन किए जाने के अगले ही महीने अनीस और अन्य चुने हुए अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए ब्लॉक ऑफिस में बुलाया गया। ट्रेनिंग के पहले दिन अनीस सुबह के 8 बजे तैयार होकर ब्लॉक ऑफिस पहुंचा। उस समय तक कुछ और लोग भी ऑफिस के मुख्य हॉल में इकट्ठा हुए थे। रिपोर्टिंग का टाइम सुबह 8:30 बजे का था, तो अनीस को वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं लगा। अनीस ने हॉल में मौजूद हर किसी से हाथ मिलाया और जान पहचान बढ़ाने के लिए उनसे बातचीत की। करीब 10 मिनट के बाद हॉल के गेट से एक महिला अधिकारी अंदर आई, वो भी हॉल में मौजूद अन्य अधिकारियों की तरह ही थी। उसका भी चयन हुआ था, उसका नाम दीप्ति मिश्र था। दीप्ति गोरखपुर में देवकरी धर्मसेन गाँव की रहने वाली थी। समाज शास्त्र से MA की पढ़ाई कर चुकी दीप्ति का सिलेक्शन पूर्णीराम ब्लॉक ऑफिस में ग्राम पंचायत अधिकारी के तौर पर हुआ था। अनीस ने दीप्ति को देखा तो वो उसे पहचान गया था। कॉलेज के कैंपस में अक्सर अनीस ने दीप्ति को घूमते हुए देखा था, कभी कैंटीन में तो कभी क्लास करते हुए, लेकिन कॉलेज के दिनों में उसने कभी दीप्ति से मुलाकात या बातचीत नहीं की थी। उसकी एक वजह ये थी कि अनीस का विषय कुछ और था और दीप्ति का कुछ और। दीप्ति जब गेट के अंदर आ रही थी तो अनीस की नजर उस पर पड़ी। अनीस को दीप्ति का चेहरा जाना पहचाना लगा। अनीस ने अपने दाएं हाथ में पकड़े प्लास्टिक के पानी के गिलास को टेबल पर रखा और घूमकर कमरे के अंदर प्रवेश करती हुई दीप्ति की ओर बढ़ा। काफी देर सोचने के बाद अनीस को याद आ गया और वो दीप्ति को पहचान गया। दीप्ति कमरे में मौजूद पीछे की एक खाली कुर्सी पर जाकर बैठी थी, तो अनीस भी उसके पास गया और एक कुर्सी छोड़कर उसके बगल में जाकर बैठ गया और बोला, हेलो। अनीस की बात का जवाब देते हुए दीप्ति ने उसकी ओर देखा और बोली, हाय। अनीस का चेहरा देखते ही दीप्ति को भी अचानक से याद आ गया था कि हेलो बोल रहा ये शख्स कौन है। इससे पहले कि अनीस आगे कुछ कहता, दीप्ति ने उससे सवाल कर लिया, अरे आप तो शायद दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में थे ना। अनीस ने दीप्ति के सवाल का जवाब देते हुए कहा, जी आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैंने भी उसी कॉलेज से पढ़ाई की थी। आप जब हॉल में इंटर हुई तभी से मैं सोच में पड़ गया था कि आपको कहीं मैंने देखा है, और देखिए आपने भी मुझे पहचान लिया। ये सुनकर दीप्ति हंस पड़ी और दीप्ति को हंसता हुआ देख अनीस भी मुस्कुरा दिया। ऐसे ही कैरियर, पढ़ाई इत्यादि की बातें करते करते कब 8:30 बज गए दोनों को पता ही नहीं चला। कमरे में सूट पहनकर कुछ अधिकारी आए और अपने रूटीन के कामों की तरह वो सबके नाम परिचय लेने लगे। इस तरह से अनीस और दीप्ति की जान पहचान हुई। अब क्योंकि अनीस और दीप्ति दोनों ही ब्लॉक ऑफिस में ग्राम पंचायत अधिकारी थे, तो उनका साथ में उठना बैठना सामान्य हो गया था।
पूरी ट्रेनिंग के दौरान अनीस और दीप्ति एक दूसरे के साथ ही रहे। ट्रेनिंग के बाद जब दोनों आधिकारिक रूप से अपने अपने ब्लॉक में काम करने लगे तो भी दोनों का साथ साथ उठना बैठना होने लगा था। अनीस के ऑफिस से दीप्ति के ऑफिस की दूरी मात्र एक घंटे की थी। अनीस और दीप्ति दोनों की जान पहचान कुछ ही समय में दोस्ती में बदल गई। दोनों साथ में ऑफिस आने जाने लगे। दोनों ही घंटों फोन पर बातचीत करने लगे। देखते ही देखते उनकी बीच की नजदीकियां भी बढ़ने लगी। वे दोनों अक्सर ऑफिस के अलावा भी एक दूसरे से मिलते थे। अनीस और दीप्ति दोनों ही एक दूसरे को करीब से जानना चाहते थे। ब्लॉक ऑफिस से छुट्टी के समय दोनों ही घूमने के लिए निकल जाया करते थे। छुट्टी वाले दिन भी दोनों घर पर नहीं बैठते थे बल्कि अपने गांव से दूर घूमने निकल जाते और साथ में वक्त गुजारते थे। उनकी दोस्ती वक्त के साथ प्यार में बदलने लगी थी। लेकिन ऐसे ही एक दिन जब अनीस और दीप्ति ऑफिस से शाम को छुट्टी के बाद साथ साथ घर जा रहे थे तो दीप्ति के एक रिश्तेदार ने दोनों को देख लिया और दीप्ति की शिकायत उसके घर पर कर दी। शुरुआत में तो दीप्ति के घर वालों ने उसे रोका टोका नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वे अनीस के बारे में पता लगाने लगे। दीप्ति अपने घर में सबसे छोटी बेटी थी। दीप्ति का बड़ा भाई अभिनव यूपी पुलिस में कांस्टेबल था। जब अभिनव को दीप्ति के किसी से संबंध होने की जानकारी घर वालों से मिली तो उसने अपने सूत्रों के जरिए अनीस के बारे में पता लगवाया। अभिनव को जब यह पता चला कि उसकी बहन दीप्ति का संबंध किसी दलित जाति के लड़के से है तो उसने ये बात अपने घर वालों को बताई। उस दिन मिश्र परिवार में इस बात को लेकर खूब झगड़ा भी हुआ। परिवार वालों ने दीप्ति का फोन उससे छीन लिया। उसके आने जाने पर लगातार नजर रखने लगे। यहाँ तक कि दीप्ति जब ऑफिस जाती तो उसके पिता नलिन कुमार मिश्र उसके साथ जाने लगे और घर वापस आते समय दीप्ति को साथ घर लेकर आने लगे। दीप्ति पर उसके घर वाले इस तरह की निगरानी रखने लगे जैसे कि उसने प्यार करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। इस बात की जानकारी अनीस को लग चुकी थी कि दीप्ति को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके बीच बातचीत अचानक से खत्म हो गई थी। दीप्ति जब अपने ऑफिस पहुंचती तो वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों के फोन से अनीस को फोन करती और उसे अपने साथ हो रहे जुर्म सितम के बारे में बताती। शुरुआत में तो अनीस ने दीप्ति को धैर्य रखकर काम करने के लिए कहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब दीप्ति को अनीस से दूरी बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अनीस को उससे शादी करने के लिए कहा। एक दिन फोन पर बात करते हुए दीप्ति ने अनीस से कहा, देखो अनीस, मुझे पता है कि मेरे घर वाले हम दोनों के इस रिश्ते से खुश नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि ये कुछ समय की नाराजगी हो, लेकिन ये नाराजगी जल्द ही खत्म हो जाएगी। अनीस ने दीप्ति की बातों को बड़े ध्यान से सुना और कहा, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन अगर तुम्हारे घर वालों ने हमारी शादी के बाद हमारे रिश्ते को नहीं माना तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बार हमने शादी कर ली तो थोड़ी देर में ही सही, लेकिन वो हमारे इस रिश्ते को मंजूरी दे देंगे। और इसके अलावा हमारी शादी हो गई तो कानूनी तरीके से मेरे घर वाले मेरी कहीं और शादी नहीं कर सकते, दीप्ति ने जवाब दिया। ये सुनकर अनीस को दीप्ति की बातों में दम नजर आया। उसने कुछ देर सोचा और दीप्ति की शादी की बात को मंजूरी दे दी। इसके कुछ दिनों बाद दीप्ति ने योजना के मुताबिक अपने घर वालों को चकमा देकर 12 मई 2019 को अनीस से कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद दोनों ने चैन की सांस तो ली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका सुख चैन शादी के बाद छिनने वाला है। 9 दिसंबर 2019 को अदालत ने दीप्ति और अनीस की शादी को मंजूरी दे दी। इसका मतलब ये था कि अब दीप्ति और अनीस कानूनी तरीके से एक दूसरे से पति पत्नी के बंधन में बंध चुके थे। अदालत की मंजूरी के बाद दीप्ति के घर वालों को उनकी शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनकी कोर्ट मैरिज का पता लग गया था, जिसके बाद उसके घर वालों ने दीप्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शादी के बाद मिश्र परिवार ने दीप्ति को अनीस को जान से मारने की धमकियां देने लगे। वो दीप्ति से कहते, तूने जो गलती कर ली तो कर ली, अभी भी समय है, उसे तलाक दे और इस रिश्ते से छुटकारा पा ले, वरना हम तुझे इस रिश्ते से छुटकारा दिला देंगे। ये सुनकर दीप्ति खौफ के साए में अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गई थी। हालांकि वो हर दिन ऑफिस जाती, लेकिन उसके मन में अनीस को लेकर हमेशा डर रहने लगा था। अनीस भी दीप्ति को लेकर हर समय चिंता करने लगा था।
अनीस को इस बात का डर सताने लगा था कि दीप्ति के घरवाले उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। वे दोनों एक दूसरे की चिंता में खोने लगे थे, जिसका असर उनके काम पर भी पड़ने लगा था। वे हर समय एक दूसरे के बारे में सोचते और एक दूसरे के करीब आना चाहते थे। शादी का पता लगने के बाद दीप्ति को उसके घर वालों द्वारा काफी प्रताड़ित किया जाने लगा। ये प्रताड़ना अक्सर मानसिक हुआ करती थी। कभी उसकी माँ जानकी देवी बीमार होने का नाटक करती तो कभी उसके पिता अक्सर उसके सामने दिल का अटैक आने का नाटक करते और अनीस से तलाक लेने को कहते। जब दीप्ति अपने घर वालों की बात नहीं मानती तो वे अनीस को जान से मार देने की धमकियां देते थे। दीप्ति के घर वाले उसे दलित समुदाय के लड़के से शादी करने के चलते उसे कलंक समझते थे। वो दीप्ति को अक्सर कहते थे कि तूने हमारे परिवार की नाक कटा दी है। इसी बीच फरवरी 2021 की शुरुआत में नलिन मिश्र ने अनिल पर अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। ये जानकर दीप्ति को इतना आश्चर्य हुआ कि उसके पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन उन दिनों दीप्ति के घर वालों ने उसको इतना प्रताड़ित किया, उस पर इतना दबाव बनाया कि दीप्ति को अनीस के खिलाफ बयान देना पड़ा। लेकिन जब अनीस की गिरफ्तारी की नौबत आई तो फरवरी 2021 को दीप्ति एक बार फिर से अपने घर वालों को चकमा देकर अनीस के साथ रहने के लिए उसके घर आ गई। दीप्ति के घर वालों ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने स्थानीय थाने में अनीस के खिलाफ दीप्ति के अपहरण करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद अनीस और दीप्ति दोनों ने मिलकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर पोस्ट भी किया, जो वायरल हो गया। उस वीडियो में दीप्ति ने बताया कि उसका अपहरण नहीं हुआ है और वो अपनी मर्जी से अनीस के साथ रह रही है और दोनों ने शादी कर ली है। कुछ महीनों तक दोनों ने जिंदगी साथ में गुजारी, साथ में काम पर जाते, साथ में काम से वापस आते, लेकिन दोनों के मन में डर का साया कम नहीं हुआ था। इसको ध्यान में रखते हुए अनीस के पिता ने दोनों को सार्वजनिक रूप से शादी करने का उपाय बताया। उन्होंने उसे कहा कि अगर वे सबके सामने शादी कर लेंगे तो हो सकता है कि वो लोग उनकी शादी को स्वीकार कर ले। उनकी बातों का सम्मान करते हुए दोनों ने 28 मई 2021 के दिन गोरखपुर के महादेव झारखंडी मंदिर में शादी कर ली। मंदिर में शादी करने के बाद अनीस के घर वालों ने दोनों के लिए गोरखपुर में अवंतिका होटल में एक बड़ा रिसेप्शन भी रखा। इस रिसेप्शन में सिर्फ अनीस के घर वाले और रिश्तेदार ही मौजूद थे। दीप्ति के घर से ना तो मंदिर में शादी के समय कोई आया था और ना ही रिसेप्शन में कोई आया। शादी और रिसेप्शन के बाद कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। दीप्ति के घर वालों की तरफ से अब ना तो धमकी भरे फोन आते थे और ना ही वे दीप्ति को परेशान करते थे, लेकिन ये बड़ा तूफान आने से पहले की शांति थी। शादी के बाद अनीस के दिलो दिमाग से डर धीरे धीरे कम होने लगा। अनीस पहले के मुकाबले लापरवाह हो गया और बेफिक्री के साथ घूमने फिरने लगा। इस चीज को लेकर दीप्ति ने अनीस को कई बार आगाह भी किया था, लेकिन अनीस पर उसकी इन बातों का असर नहीं होता था। अनीस को लगता था कि ये अपना ही इलाका है तो यहाँ कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये लापरवाही उसे भारी पड़ी। 24 जुलाई 2021 के दिन अनीस और उसके चाचा देवी दयाल, जो कि उरवा ब्लॉक में ही तैनात ग्राम विकास अधिकारी थे, दोनों दोपहर को गोला थाना क्षेत्र के एक दुकान पर हिसाब करने निकले थे। दरअसल अनीस पर दुकान का कुछ उधार बकाया था, वही उधार चुकता करने हार्डवेयर की दुकान पर दोनों आए थे। दुकान मालिक हिसाब अभी तैयार कर ही रहा था तभी अनीस के मोबाइल पर एक कॉल आ गई। कॉल रिसीव करते हुए अनीस चाचा को इशारे से हिसाब देखने को कहते हुए दुकान से बाहर निकल गया और सड़क के एक किनारे बात करने में मशगूल हो गया। तभी साय की तरह उसके पीछे चाचा देवी दयाल भी बाहर निकल आए और कुछ दूरी पर खड़े भतीजे की निगरानी करने लगे। उसी समय दूसरी तरफ से तेजी से दो बाइक आकर अनीस के पीछे रुकी। दोनों बाइक पर दो दो नकाबपोश युवक सवार थे। एक बाइक पर पीछे बैठे नकाबपोश ने अपनी कमर के पीछे खोज कर रखा धारदार दतिया निकाला और फिल्मी स्टाइल में अचानक अनीस के सिर, गले और सीने पर तवातोड़ कई वार कर दिए। भतीजे अनीस पर हमला होते देख चाचा देवी दयाल हमलावरों से भिड़ गए। उन्होंने भतीजे पर हमला करने वाले एक नकाबपोश को धर दबोचा। ये देखकर नकाबपोश हड़बड़ा गया और उसने छूटने के लिए उनके सीने पर प्रहार कर दिया। अचानक हुए हमले से देवी दयाल पल भर के लिए घस खाकर जमीन पर गिर गए। कुछ पलों बाद जब उठे तो नकाबपोश ने उन पर फिर से पलटवार किया। तब तक चीख पुकार तेज हो गई थी। देवी दयाल की चीख सुनकर पास पड़ोस के दुकानदार शोर मचाते हुए बाहर निकले। पब्लिक को बदमाशों ने अपनी ओर आते हुए देखा तो चौकन्ने हो गए
और जिधर से आए थे मौके पर हथियार फेंककर उसी दिशा में फरार हो गए। इधर अचानक हुए हमले से अनीश डर गया था। गंभीर रूप से घायल वो हवा में लहराते हुए किसी कटे पेड़ की तरह जमीन पर धड़ाम से गिरा। आनन फानन में लोगों ने अनीश और देवी दयाल को टेम्पो में लाद कर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अनीश को देखते ही मृत घोषित कर दिया। भतीजे की मौत की खबर सुनते ही देवी दयाल की हालत और बिगड़ गई। घबराहट के मारे उनकी सांसों की रफ्तार और भी तेज हो गई। ये देखकर डॉक्टर भी घबरा गए और उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अनीश की हत्या की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई थी। जैसे जैसे उसके जानने वालों को जानकारी हुई, वैसे वैसे कुछ लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो कुछ लोग अस्पताल पहुंच गए। उधर दिल दहला देने वाली घटना की सूचना गोला थाने के थानेदार सुबोध कुमार को मिल चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही वो फोर्स सहित अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल को पूरी छावनी में बदल दिया ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। सूचना पाकर थोड़ी ही देर में वहां पुलिस के आला अधिकारी भी आ गए। पुलिस अधिकारियों ने शव का निरीक्षण किया। सिर, गले और सीने पर किसी धारदार हथियार से ताबातोड़ हमला किया गया था। ज्यादा खून बहने से अनीश की मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। उसके बाद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को कागजी कार्रवाई पूरी करते करते दोपहर के 2 बज गए थे। अस्पताल से फारिग होते ही पुलिस गोपालपुर चौराहे पर उस जगह पर पहुंची जहां घटना घटी थी। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर फैला खून जम चुका था, जिस पर ढेर सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। मौके से कुछ दूरी पर खून से सना एक धारदार हथियार गिरा पड़ा था। पुलिस ने उसे बतौर सबूत अपने कब्जे में लिया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम अपनी जांच में जुट गई। पुलिस ने अनीश की पत्नी दीप्ति चौधरी की तहरीर पर आईपीसी की धारा 302, 307, 506, 120B और SC/ST की धारा के तहत माइके के 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जिनमें नरेंद्र मिश्रा, मणिकांत मिश्रा, अभिनव मिश्रा, अनुपम मिश्रा, विनय इत्यादि शामिल थे। घटना की जांच की जिम्मेदारी गोला के CEO अंजनी कुमार पांडे को सौंपी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों मणिकांत मिश्र, विवेक तिवारी, अभिषेक तिवारी और सन्नी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूरे गोला के क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। इन चारों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए अन्य अपराधियों के नाम भी बता दिए। पुलिस ने इन्हें अदालत में पेश करके जिला जेल भेज दिया। 28 जुलाई 2021 को SP अरुण कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता आयोजित करके 4 आरोपियों के गिरफ्तार करने की जानकारी दी और कहा कि जल्द ही बाकी के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल अन्य आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हो सके थे, पुलिस उन्हें तलाश रही थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।